अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में हमें अपने घरों पर ही रहना है, तो जाहिर बात है रोजों का मामला अपना मामला है, उसका मस्जिद से खुसूसी रिश्ता नहीं है। फर्ज नमाजों की जहां तक बात है, आपको अपने घर में पढ़नी है जैसे आप अब तक पढ़ते आए हैं। नमाज तरावीह की जहां तक बात है, इस सिलसिले में बहुत सारी बातें जो लोगों के अंदर सवालात की शक्ल में आ रही हैं, बहुत सारे इश्कालात हैं लोगों के जहनों में पैदा हो रहे हैं, हम ये मसला भी आपके सामने वाजह कर देना चाहते हैं। जहां तक नमाज तरावीह की बात है, आप ये बात याद रखें, नमाज तरावीह सुन्नत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बल्कि ये सुन्नत मुअक्कदा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसका एहतमाम किया है। ये फर्ज के बाद इसका दर्जा है। जब फर्ज नमाजों ही में पंज वक्ता मस्जिद में हाजिरी आपके लिए इजाजत उसमें नहीं है, तो फिर आप फर्ज नमाज के बाद वाले दर्जे की नमाज के लिए मस्जिद में हाजिरी के लिए इसरार करें, यह कहां दुरुस्त हो सकता है? आप और मैं इस मामले को समझने की कोशिश करें कि फर्ज नमाजें जिस तरह हम अपने घरों में पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह नमाज तरावी भी हमें अपने अपने घरों के अंदर पढ़नी चाहिए। इस सिलसिले में एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसे सवालात आ रहे हैं और अभी से खबरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ सोसाइटियों में बाज घरानों खानदानों के अंदर अभी से इसका एहतमाम किया जा रहा है कि एक हाफिज कुरान का तायुन कर लिया गया है, कि सोसाइटी के सारे लोग वहां इकट्ठा होकर सोसाइटी में पंज वक्ता बाजमात भी पढ़ेंगे और रात की तरावी भी पढ़ेंगे। अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो यह आपकी गलती है, शरअन आपके लिए ऐसा करना गलत होगा। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला ज़रर वला ज़िरार, कि न खुद नुकसान उठाओ ना दूसरों को नुकसान पहुंचाओ। यहां पर दोहरे किस्म का नुकसान, एक मसला तो यह है कि आपके पास सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग इस मामले को नहीं समझ पाए। अभी पिछले दिनों दिल्ली के सीएम ने आपके सामने एक रिपोर्ट दी, एक दिन में 750 के करीब मरीजों को टेस्ट किया गया, तकरीबन पौने 200 मरीज ऐसे सामने आए जो मुतासिर हैं, हालांकि उन पर बीमारी की कोई अलामत कोई निशानी नहीं। आप इस मामले की नजाकत को समझें, इसलिए अल्लाह के लिए ऐसा हरगिज ना करें कि आप अपने घरों के अंदर, आप अपनी सोसाइटियों के अंदर, आप अपनी बिल्डिंगों की छत पर अतराफ अकनाफ के लोगों को इकट्ठा करके किसी हाफिज कुरान को रखकर नमाज पढ़ने पढ़ाने का एहतमाम करें। ना आप फर्ज नमाज के सिलसिले में ना तरावी के सिलसिले में, दोनों में इस किस्म का कोई एहतमाम ना करें। और जहां तक नमाज तरावी पढ़ने की बात है, नमाज तरावी असल इबादत ही इनफिरादी इबादत है, असल इबादत ही इनफिरादी इबादत है, इसमें बाजमात पढ़ना जायज है। मैं आपको बताऊं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सहाबा को और उस दौर में मौजूद ताबईन को एक इमाम हजरत उबई इब्ने काब की इमामत में इकट्ठा किया था, तो इस हदीस को इमाम मालिक ने जब रिवायत किया तो इमाम मोहम्मद ने मुअत्ता इमाम मोहम्मद के अंदर इस रिवायत नकल करने के बाद यह कहा है कि अहले इल्म ने जमात को ततवुअन जायज करार दिया है, यानी बाजमात पढ़ना सुन्नत हो सकता है, जायज है, लेकिन जमात तरावी के लिए जरूरी नहीं है। बल्कि कई अहले इल्म की तहकीक के मुताबिक यह नमाज इनफिरादी नमाज ज्यादा अफजल है, लेकिन अगर आप जमात के साथ पढ़ना चाहते हैं ताकि एक दूसरे से हिम्मत मिले, एक दूसरे से आपको इबादत करने में मदद मिले, बिल्कुल जायज है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यह कैसे होना चाहिए? वही घर के आपके अपने लोग, घर का मर्द और उसके घर की जो औरतें जो बच्चे, बस वही लोग बाजमात नमाज पढ़ने की कोशिश करें। असल में हमारे और आपके समाज में ये जो मसला तरावी के सिलसिले में आता है, दो बुनियादी गलतियों की वजह से आता है। एक तो ये समझते हैं कि तरावी भी फर्ज नमाज की तरह बाजमात पढ़ना जरूरी है, जिसकी वजह अभी मैंने आपके सामने की। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये समझते हैं कि नमाज में कुरान का खत्म करना जरूरी है, तभी तरावी होती है। इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, हाफिज़े कुरान को लाकर तरावी मुकम्मल करने की फिक्र करते हैं। मैं आपके सामने ये मसला भी वाजह कर देना चाहता हूं कि याद रखिए कि कुरान मजीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हर साल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी कुरान सुराया करते थे। जिस साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी रमजान था, अल्लाह के नबी ने दो मरतबा हजरत जिब्रील को कुरान सुनाया, जितना कुरान के नाजिल हुआ होता था।
लेकिन ये नमाज तरावी में नहीं था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल नमाज तरावी में नहीं था। इसलिए ये जो बाज़ अहले इल्म का कौल है कि नमाज तरावी में कातबे कुरान होना चाहिए, ये सही नहीं है। हां, बाज़ अहले इल्म ने कहा कि अगर कुरान खत्म कर लेते हैं तो बेहतर है, और बेहतर है कहने वालों का भी मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी नमाज तरावी होती है, सही होती है। इसलिए आप इस मसले को बुनियाद बनाकर भी जमात बनाने की ऐसी शक्ल के सोसाइटी में जमात हो रही है, घर में अतराफ अकनाफ के लोगों को इकट्ठा करके जमात हो रही है, ऐसी गलती ना करें। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में बाज़ मौकों पर ऐसा भी हुआ कि कुछ मुनाफिकीन ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने ऐसी गलतियां की कि जिसके नतीजे में सहाबा ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए तो इनकी गर्दन उड़ा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा छोड़ दो, मैं नहीं चाहता, यह हमें पता है कि हम उनको क्यों सजा दे रहे हैं, लेकिन बाहर वाले लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें इन्ना मुहम्मदन यक्तुलु अस्हाब, कि मोहम्मद खुद अपने साथियों का कत्ल करते हैं। उनको नहीं पता ना किस वजह से कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाले खामखा ये कहेंगे कि मोहम्मद अपने ही साथियों का कत्ल करते हैं। मतलब ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ जायज उमूर को इसलिए तर्क किया कि बदनामी ना होने पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और मुसलमान और प्यारे नबी का नाम बदनाम ना हो, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना किया। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे और आपके तसर्रुफात से कौम के सामने बदनामी का, कौम के सामने हालात के बिगड़ने का इम्कान पैदा ना हो। आप जानते हैं कि कुछ बदख्वाह, कुछ बुरी नीयत वाले मुंतजिर हैं कि एक मरतबा फिर रमजान के मौके पे मुसलमानों की तरफ से कोई हलचल हो, मुसलमानों की तरफ से कुछ आगे पीछे मामलात हों, तो फिर से सारा इल्जाम उनके सर मूंड दें, उनकी जिम्मेदारी, इस बीमारी की जिम्मेदारी उनके सर डाल दें। लोग मुंतजिर हैं। ऐसी सूरत में आपकी ये शरई जिम्मेदारी बनती है और आपकी ये मिल्ली जिम्मेदारी बनती है कि आप इस्लाम की या कौम की बदनामी का सबब बनने से परहेज करें। इस्लाम ने आपको इजाजत दी, इस्लाम ने आपको रुख्सतें दी, इस्लाम ने आपको अल्टरनेट और बदील दिए। इस्लाम ने अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता क्या है यह बताया है। जब आपके पास इसकी गुंजाइश निकलती है तो क्यों आप पहली बातों पर इसरार करके खुद के लिए और दूसरों के लिए मसाइल पैदा करें। हाजिने गिरामी, यह सबसे पहली बात थी जो जमात से मुताल्लिक थी कि नमाज तरावी में जमात के सिलसिले में हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, नमाज तरावी से मुताल्लिक कुछ मसाइल मैं आपके सामने गिना देता हूं। नमाज तरावी रात के इब्तदाई हिस्से में भी आप पढ़ सकते हैं, रात के आखिरी हिस्से में भी पढ़ सकते हैं। बाज लोगों का यह मानना कि तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है, सही नहीं है। एक ही नमाज है जो कियामुल लैल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी के लिए भी कियाम का लफ्ज इस्तेमाल किया, मन काम रमजान, जो रमजान का कियाम करे, यह कियाम कहलाता है। कियामुल लैल इसका आम नाम है। वही अगर रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाए तो इस कियामुल लैल को तहज्जुद कहा जाता है, और इसी कियामुल लैल को बाद के जमाने में, सहाबा के जमाने और उसके बाद के जमाने में, अल्लाह के नबी के जमाने में नहीं, बाद के जमाने में तरावीह का नाम दिया गया। जब रमजान में यह पढ़ी जाती थी, बाजमात पढ़ी जाती थी, तब इसका नाम तरावीह बाद में दिया गया। वो एक ही नमाज है। आपकी सहूलत के मुताबिक आप चाहें तो नमाज ईशा के फौरी बाद पढ़ लें, या रात के दरमियानी हिस्से में पढ़ लें, या रात के आखिरी हिस्से में पढ़ें। सहूलत के मुताबिक आप कभी भी यह नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें से बेहतर वक्त रात का आखिरी पहर है, रात का आखिरी हिस्सा। रात का जो तीन हिस्से अगर रात के आप करते हैं, सूरज गुरूब होने से लेकर तुलुए फजर तक तीन हिस्से अगर आप रात के करते हैं, तो तीसरा जो हिस्सा होता है, उस तीसरे हिस्से के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो यह सबसे ज्यादा फजीलत वाला वक्त है। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया, जो हमारी तरफ से पहला आसमान है, उस पर उतर कर आता है और बंदों से पूछता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं मग़फ़िरत कर दूं, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दे दूं, है कोई दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। इसलिए यह वक्त सबसे ज्यादा अफजल है। इसीलिए हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा, अल्लाह के नबी के जमाने में बाजमात नमाज हुई थी तीन दिन, उसके बाद दोबारा फिर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी दोबारा शुरू
मकरूआत की तो रात के इब्तदाई हिस्से में बाजमात नमाज ये पढ़ा करते थे। हजरत उमर ने खुद ये बात कही, वल्लती यनामून अनहा खैरुम मिनल्लती युसल्लून, वो वक्त जिस वक्त में ये नमाज पढ़ रहे हैं उसके मुकाबले में जिस वक्त ये सोए रहते हैं वो वक्त ज्यादा फजीलत वाला है। रावी हदीस खुद ये बताते हैं कि उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ये बताना चाहते हैं, यानी आखिर अल्लैल, यानी अस्सलात फी आखिर अल्लैल, रात के आखिरी हिस्से में नमाज पढ़ने को वह अफजल करार देते हैं। आप अपनी सहूलत के हिसाब से इब्तिदा में पढ़े आखिर में पढ़े, लेकिन आखिर में पढ़ना ज्यादा फजीलत वाली बात है। इसलिए आप अपनी नमाज को चाहे आप रात के आखिरी हिस्से में पढ़ें या शुरू में पढ़ें, उसे तरावी कहें, आखिर में पढ़ते हैं तो तहज्जुद कहें, या एक नाम कियामुल लैल का आप दें, एक ही नमाज है उसका एहतमाम आप कभी भी कर सकते हैं। नमाज तरावीह को इनफिरादी भी आप पढ़ सकते हैं, बाजमात भी आप पढ़ सकते हैं, और खास तौर पर हमारे अपने माहौल में लोगों को तन्हा इबादत करने में अगर लज्जत नहीं है, तन्हा इबादत करने में ज्यादा देर तक इबादत करने का उनके अंदर हौसला नहीं है, तो फिर उनको करना क्या चाहिए? उनको करना यह चाहिए कि वो बाजमात नमाज पढ़ लें, और जब बाजमात नमाज पढ़ते हों तो कुछ अहकाम का ख्याल रखें। सबसे पहला हुक्म तो ये कि जमात में सफबंदी का ख्याल रखें। आप हजरात जो लॉकडाउन के अंदर कोविड 19 की ये जो सीरीज सुन रहे हैं इसमें अगर पीछे जाकर देखें, घर में नमाज के बाद अहकाम के नाम से सफबंदी और उससे मुतालिक मसाइल मैंने तफसील से बयान किए। मुख्तसरन आपके सामने ये बयान करना है कि इमामत मर्द ही कर सकता है, औरतें मर्दों की इमामत नहीं कर सकती, मर्द ही इमामत कर सकता है। अब मर्दों में भी वो मर्द इमामत करे जो मर्द कुरान को सबसे ज्यादा पढ़ने वाला हो, सबसे ज्यादा अच्छे अंदाज से पढ़ने वाला हो, और सबसे ज्यादा कुरान जिसे याद हो। हत्ता के घर के अंदर बाप को याद नहीं, बेटे को कुरान ज्यादा याद है तो बेटा इमामत का ज्यादा हकदार है। इस सिलसिले में यहां तक भी मसला याद रखें, सही बुखारी सुनन अबी दाऊद वगैरह की रिवायत की रोशनी में, बच्चा नाबालिग भी हो, बच्चा नाबालिग हो लड़का, लेकिन वो कुरान ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला हो और उसे नमाज के मसाइल मालूम हो, नमाज के मसाइल मालूम हो, तो फिर वो बड़ी उम्र के आदमी के मुकाबले में नाबालिग होने के बावजूद इमामत का ज्यादा मुस्तहिक है। हजरत अमर इब्ने सलमा ऐसे ही एक सहाबी थे, नाबालिग सहाबी थे, उनके कबीले वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करके लौटे तो कहा अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कुरान जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है वो इमामत करे, लिहाजा तुम ही कुरान सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हो, तुम आगे बढ़कर इमामत करो। कौम के लोगों ने उनको इमाम बना लिया था। तो पहला मसला यह कि मर्द इमामत करे और मर्दों में जो कुरान सबसे ज्यादा जानता है वो इमामत करे। औरतें मर्दों की इमामत नहीं कर सकती हैं। अलबत्ता अगर औरतें खुद सिर्फ औरतें नमाज पढ़ रही हैं, सिर्फ औरतें नमाज पढ़ रही हैं, बेहतर यह है कि औरतें मर्दों ही की जमात में पीछे शामिल रहें। लेकिन अगर कहीं घर में मौका नहीं हो रहा है, औरतें ही पढ़ रही हैं, जैसे इब्तिदा में मर्दों ने पढ़ लिया, रात के आखिरी हिस्से में औरतें पढ़ रही हैं, या इब्तिदा में औरतें पढ़ लेना चाहती इसलिए कि मर्द आखिरी हिस्से में पढ़ना चाहते हैं, जैसे भी मामला हो, सिर्फ अगर औरतें हैं तो औरतें औरतों की इमामत कर सकती हैं, यानी एक औरत बकिया औरतों की इमामत कर सकती है, उनके अंदर भी कुरान सबसे ज्यादा जो पढ़ना जानती है वो इमामत करेगी, शर्त यह कि उसे इमामत के मसाइल मालूम रहे। जहां तक सफबंदी का मामला है, सफ की तरतीब यह है कि मर्द इमाम आगे खड़ा होगा, अगर उसके साथ सिर्फ अकेला मर्द है तो उसके दाएं तरफ राइट साइड में खड़ा होगा, और अगर एक से ज्यादा मर्द हैं तो वो पीछे सफ बांधेंगे। मर्द के पीछे जो औरतें सफ बनाती हैं, चाहे एक औरत हो या कई औरतें हो, वो इमाम के पीछे, और अगर इमाम के पीछे मर्द हैं तो मर्दों की सफ के पीछे सफबंदी करेंगी, वो अपनी सफ अलग ही रखेंगी। और अगर औरत इमामत कर रही है तब फिर यह मामला है कि औरत सबसे आगे खड़े होकर इमामत नहीं करेगी, सफ ही में खड़े होकर वो इमामत करेगी। इस बात का औरत को ख्याल रखना चाहिए। और औरतों की इस इमामत के मसले की दलील हजरत आयशा सिद्दीका और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायतें, जिसे इमाम शाफी ने अपनी मुस्नद के अंदर और इमाम बैहकी ने अपनी सुनन के अंदर रिवायत किया, लेकिन
بعض اہل علم ان حدیثوں کو کے سلسلے میں کلام کرتے ہیں جبکہ دیگر اہل علم ان حدیثوں کو ثابت مانتے ہیں. یہی روایتیں اس بات کی دلیل ہے کہ عورت امامت کر سکتی ہے, اور یہی روایتیں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورت صف کے درمیان کھڑی ہوگی, آگے نہیں کھڑی ہوگی, اس لیے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے طریقہ نماز میں یہی بات ذکر کی گئی ہے. نماز تراویح کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی ہم اور آپ کو معلوم رہنا چاہیے کہ نماز تراویح میں عام طور پہ لمبا قیام مطلوب ہے. آدمی جہاں تک لمبا قیام کر سکتا ہے اتنا لمبا کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی, فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, کتنی اچھی نماز اور کتنی لمبی نماز اللہ کے نبی پڑھتے تھے منع پوچھو. مطلب یہ کہ اللہ کے نبی لمبا قیام کرتے تھے, لمبے سجود, لمبا رکوع اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم میں سے, عوام الناس میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو بہت زیادہ سورتیں یاد نہیں یا قرآن کا بہت زیادہ حصہ یاد نہیں ہے, تو وہ کیا کریں؟ آپ کی تراویح اگر چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر ہی آپ مکمل کر لیتے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی, تراویح درست ہو جائے گی. جیسے آپ اپنی عام نمازوں کے اندر چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں, ویسے اگر آپ تراویح میں وہی سورتیں پڑھ لیتے ہیں آپ کی نماز درست ہو جائے گی. اگر آپ دو تین سورتیں ایک رکعت میں ملا کر پڑھتے ہیں تاکہ رکعت ذرا لمبی ہو, ہر سورت کے بعد بسم اللہ اور پھر نئی سورت, پھر بسم اللہ پھر نئی سورت, ایسے اگر آپ دو دو تین تین سورتیں ایک رکعت میں پڑھتے ہیں ملا کر, اور ایسا ہر دو رکعت میں وہی دو سورتیں جو پچھلی دو رکعت میں پڑھے ہیں ایسے بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو بھی آپ کی نماز درست ہے, ایسے بھی آپ اپنی نماز کو لمبی نماز کر سکتے ہیں. اور تیسرا ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی گھر کے اندر قرآن پڑھنے والا امام یا قرآن پڑھنے والی خاتون امام جو خواتین کی امامت کر رہی ہے, اگر قرآن دیکھ کر لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے. اس کی گنجائش ہے کہ امام اگر قرآن ہاتھ میں لے کر لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے, پڑھانا چاہتا ہے تو درست ہے. اکیلا آدمی ہے وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے, یا امام ہے اور وہ لوگوں کو لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہے, مصحف لے کر امامت کر سکتا ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ذکوان, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں مصحف لے کر نماز پڑھائی, اس کا ثبوت ملتا ہے. اس بنیاد پر اگر کوئی قرآن لے کر امامت کرتا ہے, لمبی قرآت کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے. لیکن یہ بات ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ حکم اس کے لیے ہے, نہ کہ گھر کا ہر آدمی پیچھے قرآن لے کر کھڑا ہو جائے, اس لیے کہ قرآن لے کر کھڑے ہونے میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا جو حکم ہے, جو ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اس حکم کو گویا ہم بدل رہے ہیں یا اس حکم میں تبدیلی آ رہی ہے. اس لیے ضرورت جس کو ہے امام کو کہ ایک مصلحت ہے نماز کی اور دوسری مصلحت بھی نماز کی امام کے لیے ضروری ہے. پیچھے والوں کا کام تو یہی ہے کہ وہ قرآن سنتے رہیں تو وہ لوگ سنتے رہیں, وہ مصحف لے کر دیکھنے کی کوشش نہ کریں. مختصر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز تراویح کے سلسلے میں یہ کچھ بنیادی مسائل ہیں, ان مسائل کو ہم اور آپ یاد رکھیں. یہاں لوگوں کے پاس اس سلسلے میں کچھ اور استفسارات, لوگوں کے پاس اس سلسلے میں کچھ اور استفسارات, وہ یہ کہ کیا کوئی آدمی عشاء کے فوری بعد چار رکعت پڑھ لے پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر چار رکعت پڑھے, ایسا کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تراویح الگ سمجھتے ہیں اور پھر تہجد الگ سمجھتے ہیں, اور اسی لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ابتدا میں چار رکعت پڑھ کر تراویح کا ثواب اور آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کا ثواب پانا چاہتے ہیں. ایک ہی نماز ہے, فضیلت اگر حاصل کرنی ہے تو رات کے آخری حصے میں پڑھ لیں, اور اگر نہیں تو رات کے ابتدائی حصے میں پڑھ لیں. آپ کی جو نماز تراویح ہے وہ پوری رات میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, اس لیے یہ ٹکڑے کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی. لیکن اگر کوئی ایسا پڑھتا ہے بس اس لیے کہ رات کے ابتدائی حصے میں بھی مجھے ثواب ملے, آخر میں بھی ثواب ملے, تو جائز ہے. لیکن اس کے بجائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ جیسے کرتے تھے کہ وہ ایک وقت میں پڑھا کرتے تھے, آپ ایک وقت میں پڑھ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. ایک چیز ہوتی ہے جائز ہونا اور ایک چیز ہوتی ہے بہتر ہونا. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے وقت میں ایک وقت میں نماز پڑھ لیں. البتہ آپ اس کی کوشش ضرور کریں, صحیح مسلم کی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بندہ اگر
इशा की नमाज जमात में पढ़ लेता है तो उसे आधी रात क़याम का सवाब मिलता है, और फजर की नमाज जमात में पढ़ लेता है तो फिर पूरी रात क़याम करने का अल्लाह ताला उसे सवाब दे देते हैं। तो आप क्या करें, आप अपनी तरावी इब्तिदा या अखीर में पढ़ लें, लेकिन इशा की नमाज और फजर की नमाज अपने घर में अपने घर वालों के साथ बाजमात अदा करें, इसकी फिक्र करें कि इससे पूरी रात इबादत करने का आपको सवाब मिल जाता है।